नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग मूली का पत्ता का भुजिया बनाने जा रहे हैं, जो बहुत ही इजी तरीके से हो जाता है। मूली के पत्ता के साथ हम लोग आलू भी मिक्स करेंगे। मूली के पत्ता को डंठल से हम लोग निकाल के पानी में रख दिए हैं और आलू को भी कट कर लिए हैं। पानी में से निकालने मूली का पत्ता को थोड़ा देर पानी में छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत सारा बालू चाहे कुछ गंदा होता है वो अच्छे से वो निकल जाता है। फिर मूली के पत्ते को हम लोग अच्छे से कट करते हैं। इसको आप मोटा भी काटिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम लोग नमक जो डालेंगे ना तो मूली का पत्ता आसानी से गल जाता है। इसीलिए मैंने कि महीन अपने आप ही नमक मिलाने से वो हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कढ़ाई में हल्का सा सरसों तेल और फ्राई करने के लिए सूखा मिर्चा और सरसों का इस्तेमाल करेंगे, और उसमें हम पहले आलू डालेंगे। आलू को हल्का सा हम लोग भूंजेंगे, क्योंकि थोड़ा सा वो पानी से वो रहेगा और सोख लेगा। उसके बाद हम लोग मूली का पत्ता को उसमें हम लोग डालते हैं, और डालने के बाद उसको हम लोग थोड़ा देर के बाद उसको हम लोग चलाएँगे, क्योंकि अच्छा से वो आलू के साथ वो मिक्स हो जाए। मिक्स हो जाने से उसको कट करने में मैंने कढ़ाई में उसको हम लोग कट करेंगे। उसके बाद हम लोग नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, जितना आपका साग, और आप अगर आप नए हैं इस रेथी में तो आप गल जाने के बाद नमक डालिएगा, क्योंकि अगर साग गलता है तो भुजिया का मात्रा थोड़ा कम हो जाता है। इसके वजह से किसी किसी में नमक का स्वाद ज़्यादा हो जाता है। ऐसे तो नमक ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, कम भी पड़ेगा तो कोई बात नहीं। उसके बाद हल्दी डालते हैं। हल्दी और नमक डालने के बाद अच्छी तरह से उसको हम लोग मिलाएंगे। मिलाने के बाद भुजिया पानी छोड़ने लगता है पालक साग के वजह से। उसके बाद हम लोग उसको ढक देने के बाद अगर जितना पानी वो छोड़ेगा वो पानी को सोख लेगा, और सूख लेने के बाद देखिए ऐसा रेडी हो जाता है। पूरा पानी फिर भी अभी है, हल्का फुल्का पानी है, तो आप उसको चलाते रहिए। जब तक वो पानी नहीं सूखेगा तब तक आप उसको, इसमें आपको कुछ भी अब डालने का ज़रूरत नहीं है बहुत। और उसके बाद पानी जब सूख लेता है तो हम लोग ऐसे कट कर देते हैं कढ़ाही में ही, क्योंकि वो जब छोटे छोटे टुकड़े जो हो जाते हैं ना वो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, और साग के साथ वो मिक्स हो जाते हैं। इसीलिए ये भुजिया हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, और कम मात्रा में हो भी जाता है। तेल में मसाला भी नहीं लगेगा ज़्यादा, कुछ भी नहीं लगेगा। जो कम तेल मसाले खाते हैं उनके लिए बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही अच्छा। और रोटी के साथ इसको हम लोग खाते हैं, चावल के साथ भी आप खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। आप एक बार ट्राई कीजिए और तब मैंने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये भुजिया आपको अच्छा लगा। देखिए दिखने में कितना खिला कितना खूबसूरत लग रहा है, तो बताइए खाने में कितना टेस्टी और कितना अच्छा लगेगा। एक बार ट्राई कीजिए मूली पत्ता का भुजिया और आलू के साथ, और आप इसे रोटी के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा स्वाद देगा आपको। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको नए सिंपल सा खाना